अंग रही है कि भारी व्हीकल जो है या यूं कहें कि बड़े वाहन जो है वो इस रूमी दरवाजे से ना निकाले जाएं, क्योंकि पुरानी इमारत है, इस पर असर पड़ सकता है, उसका आप समर्थन करते हैं? वेलकम बैक टू वर्ट चैनल। टुडे हम लोग आ गए नया व्लॉग लेके और फ्रेशली ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है लखनऊ की शान आन बान शान। अभी हम लोग हैं रूमी गेट पे और यहाँ पे बहुत दिनों से लगभग एक साल से भाई कंस्ट्रक्शन चल रहा था, लिसाई पुताई चल रही थी, अब यहाँ पे खुल चुका है ये। सो हाँ, अभी एंट्री मतलब ऐसी नहीं हो रही है। हाँ भाई, खुल गया दो तीन साल बाद खुला है ना, बट यहाँ पे तो अभी बल्लियाँ लगी हुई हैं यार। अभी गाड़ियाँ कहाँ निकल रही हैं? 17 तारीख से भाई गाड़ियाँ यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी निकलना। तो अभी बहुत मरम्मत हो चुकी है, पेंट हो चुका है, पर उस साइड से नहीं हुआ इतना जितना इधर से हो गया है। और यहाँ पे भाई सारे क्या कहते हैं रील वाले टिकटॉक के टाइप सब यहाँ पे भाई है और न्यूज़ वाले भी है। हाँ भाई, क्यों बंद क्यों होगा भाई? अच्छा मुहर्रम आ रहा है इस वजह से खुल रहा है, अभी पूरा इधर ही से बना ना, उधर से अभी तो यार भी नहीं हुआ है। अच्छा, तो मुहर्रम आ रहा है ना, मुहर्रम यहाँ पे लखनऊ का खास त्यौहार है, इस वजह से यहाँ पे खुल रहा है। यहाँ पे फोटो की बढ़िया लोकेशन है, अभी आप आ सकते हो फोटो खिंचाने के लिए तगड़े से। अभी 2 घंटे का टाइम है अपने ऑफिस के, तो हम लोग सोचे थे कि थोड़ा बाहर आके टहल लेते हैं। और मौसम भी बहुत सुहाना हो रखा है लखनऊ का, ऐसा मौसम और ऐसी जगह है भाई, क्या मज़ेदार। देखो मोबाइल देखो जैसा है और न्यूज़ मैं के बस बना रहे हैं वीडियो, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या हो गया भैया? हमेशा से रूम में दरवाजा था, वो एक फोटो स्पॉट था, मतलब जो पर्यटन थे वो इमामबाड़ा रूम में दरवाजा खास करके था, इसके लिए आते थे। तो आज क्योंकि यहाँ पे पूरा खुल चुका है तो देख रहे हैं पर्यटन यहाँ पे अच्छे से फोटो वीडियो जो बनाना होता है वो अच्छे से बना पा रहे हैं। मांग उठ रही है कि भारी व्हीकल जो है या यूं कहें कि बड़े वाहन जो है वो इस रूमी दरवाजे से ना निकाले जाए, क्योंकि पुरानी इमारत है, इस पर असर पड़ सकता है, उसका आप समर्थन करते हैं? बिल्कुल समर्थन करना भी चाहिए, क्योंकि हमारी मतलब हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री को बचाने के लिए अगर भारी वाहन अगर ना निकले तो ज़्यादा ही बेहतर है। वैसे इसका रेनोवेशन का काम चल रहा था, आप आते थे, कुछ मालूम थी? मायूसी भी कहेंगे, और अभी भी मैं अगर कहना चाहूँ तो शायद ये परमानेंटली खुल रहा है, क्योंकि मुहर्रम का त्यौहार है। सो लखनऊ जो है मुहर्रम मतलब यहाँ पे मेन त्यौहार मनाया जाता है, जो हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं, तो उनके द्वारा तो ये कह रहे हैं 17 तारीख से नॉर्मल पब्लिक के लिए खुलेगा, वाहन जा सकते हैं और या फिर बंद भी हो सकता है, क्योंकि ये भी मुहर्रम के लिए स्पेशली खोला जा रहा है। नाम क्या आपका? संदीप तिवारी। संदीप भाई बहुत अच्छा लगा आपको इंटरव्यू देके, आपका चैनल है ना भाई? नवभारत भाई लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे चेकर्स कर सकते हो भाई का चैनल। कैसा लगा भाई? मेरे को लगा था बेटर रहा था भाई पहले। हल्की हल्की बारिश होने लगी है और चाय यहाँ पे आ चुकी है, रॉयल चाय यहाँ पे। हम लोग क्लॉक टावर के सामने बैठे हुए हैं, उसके बारे में फैक्ट है कि भाई ये इंडिया का सबसे बड़ा भाई है यार, समझ रहे हो, इंडिया का सबसे बड़ा टावर भाई अपने पास ही है यार, क्लॉक टावर। चाय चल रही है अपनी, पीते हैं, ऑफ ही निकलते हैं यहाँ से। अफजल भाई हमारे जुमा जुमा लग रहा है एकदम भाई। सो फाइनली अब लोग ऑफिस पहुंच चुके हैं अपने, अभी अपने पास 8 मिनट है, चाय वाय पी लेते हैं यहाँ पे चल के। ज्यादा सब्सक्राइबर है, सो अच्छा व्लॉग बना रहे हो क्या? बना रहा हूं यार। यार गाइस प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। सो गाइस अपन लोग ने ली है 35 की थाल यहाँ पे और दही है साथ में, तो खाते हैं भाई, बहुत भूख लगी है। मेरा ऑफिस, सो हाँ, सो इस ऑफिस के बारे में बता देते हैं। सो ये है स्टार्टेक, जहाँ पे मैं अभी काम कर रहा हूँ, और मेरे कोलीग्स भी भाई सब बिजी हुए हैं काम में, और अपन लोगों ने ब्रेक लिया हुआ है, तीसरा ब्रेक आई गेस खाना खाने के लिए। सो चलते हैं खाना खाने के लिए, लेट्स गो। और हाँ, इमाम बड़ा भाई जाना है टहलने के लिए, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है आजकल, क्योंकि ऑफिस का टाइम रहता है, फिर मॉर्निंग में बारिश हो रही होती है भाई। यहाँ पे अभी बज रहे हैं कुछ 12 के आसपास और यहाँ पे भयंकर बारिश हो रही है, इस वजह से कोई जा नहीं पा रहा है भाई। सौ भयंकर बारिश हो रही है, अभी बारिश तो पता ही नहीं चल रहा है, लग रहा है बारिश नहीं हो रही है, अंदर नहीं पता चल रहा बिल्कुल भी। अब बाहर यहाँ बारिश है भाई, तगड़ी से हो रही है। जाओगे कैसे अब? बाइक है, बाइक तो है पर बारिश भी है, ऑफ हो चुका है, अभी लोग हम लोग निकल रहे थे घर के लिए बट नहीं जा सकते क्योंकि हो रही है बारिश। तो आज हम बात करेंगे अपने साहिल भाई से, जो कि हमारे सीनियर हैं। सीनियर भाई साहिल भाई।
आपसे एक चीज़ क्वेश्चन पूछना था। बताइए। तो आपको न्यूज़ कर पता है वो रूमी गेट खुल चुका है? हाँ भाई, रूमी गेट खुल तो कैसा माहौल है, मतलब क्या फील है? रूमी गेट खुल गया है, सिर्फ मुहर्रम भर के लिए खुला है, लेकिन अब उसका काम चल रहा है। हाँ अभी काम बाकी है उसमें, इस वजह से मतलब बहुत लोगों को लग रहा है परमानेंटली खुल गया, बट ऐसा नहीं। दस दिन बाद बंद हो जाएगा। हाँ अभी मुहर्रम का महीना स्टार्ट होने वाला है, उसके बाद भाई क्लोज हो जाएगा। दस दिन बाद सब बंद, सारे फिर बैरिकेड लग जाएंगे, क्योंकि उसमें खराबी ये हो गई ना कि जो बड़ी गाड़ी निकलती है उससे जी उससे उसमें क्रैक आ रहा था। हाँ तो बहुत लोग मांग कर रहे हैं कि बड़ी गाड़ी वहाँ पे बैन होनी चाहिए निकलने के लिए। नहीं हो सकती ना, क्योंकि वही मेन रूट है वहाँ से आने। अच्छा, रूट मेन वही है और फिर रूट मेन के पास ना वहाँ से आने का। बारिश में हाथ हो गए बाहर, बढ़िया तो पानी भरा हुआ है, पार कैसे करेंगे इसको यार, इसके लिए तो बाइक चाहिए। और अपन लोग इमामबाड़े के सामने मतलब टावर के सामने बैठे हुए हैं। सो